मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके संग में कक्षा 10 एसएसटी सब्जेक्ट का चैप्टर सेकंड जनरल स्टडी का सत्तावनवीं तक अध्ययन करवा रही थी। और इसमें अपन ने अब तक गुलाम वंश, उसके बाद में सल्तनत काल, सल्तनत काल के बाद में मुगल वंश प्रारंभ किया। और मुगल वंश के अंदर अपन ने बाबर जो हरियाणा के पानीपत के अंदर प्रथम 1526 को जीतने के बाद में भारत में प्रवेश किया। उसके बाद में उसका पुत्र हुमायूं राजा बना, जिसको इतिहास में लुढ़कता हुआ शासक के नाम से जाना गया। बीच में अपन ने सूरी वंश को पढ़ा और 4 सालों में उसने कितना खास काम किया, भारत को क्या क्या उसने प्रदान किया, उसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में अपन ने मुगल वंश के वापस हुमायूं और हुमायूं के बाद में मुगल वंश के सबसे प्रतापी राजा अकबर के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया। और अकबर के बारे में अपन ने बहुत कुछ पढ़ा, उसके जीवन काल के बारे में कि कैसे 13 वर्ष की छोटी सी आयु के अंदर उसको राजा बना दिया गया, पत्थर के सिंहासन पे बैठा कर बैराम खान उसका सेनापति जो था उसने उसे राजा बनाया, उसका संरक्षक बना। और उसके बाद में अपन ने देखा उसने कई सारी विजय हासिल की। और 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद में जो अकबर की तरफ से बैराम खान और अफगानों के तरफ से हेमू हिंदू राजा जो है लड़ने के लिए गए, और इसमें हेमू के गले पे तीर लगा और वहीं पर उसकी घायल हो गया, फिर मृत्यु हो गई। इसलिए मुगलों की जीत हुई और पानीपत द्वितीय के बाद में जो है भारत में वापस मुगल वंश का प्रवेश हुआ और दिल्ली के ऊपर उनका शासन हुआ। ये सब अपन ने पढ़ा। आज के वीडियो के अंदर अपन जो है इसके आगे अकबर के जीवन में इसके क्या क्या विशेष कार्य किए उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इतिहास में अकबर के पढ़ने के लिए बहुत अच्छा अपन के पास है। और अकबर महान के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए, ये एक मुस्लिम राजा होते हुए भी इनकी नीतियाँ इतनी अच्छी थी कि भारत के अंदर उनको अपना वास्तविक राजा मानने लगे, इतना मान और सम्मान प्रदान किया गया कि विदेशी कहाँ ही नहीं जा सकता। और वैसे भी इनका जो बचपन, इनका जन्म भी राजपूत घराने के अंदर हुआ था, अमरकोट के अंदर एक राजपूत परिवार के अंदर ही इनका संरक्षण हुआ बचपन में छोटे थे जब। और हुमायूं जब अभियान में गए तब अपनी पत्नी को यहीं छोड़ के गए राजपूत राजा के पास, वो उन्हें अपनी बहन की तरह रखा। और अकबर का जन्म हुआ और उसे जो है संरक्षण प्रदान किया और अपने परिवार के सदस्य की तरह माना। तो अकबर ने दोनों धर्मों का बहुत नजदीकी से देखा था, तो बहुत अच्छे दिल के इंसान थे। और इनकी क्या खासियत थी इनकी अपन बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था अकबर का जन्म जो है 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था और 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया।
भले वो अनपढ़ था परंतु उसका ज्ञान इतना अधिक था क्योंकि वो चर्चाएं करता रहता था। और कहा जाता है कि जब वो सोता था तब एक जना उसके पास में बैठे बैठे उससे ज्ञान की चर्चाएं सुनाता रहता था, करता रहता था, उसको ज्ञान की बातें बताता रहता था। तो इतना इसको ये सारी चीजें पसंद थी और इतना ज्ञानी था ये। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी ने कभी भी किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की। इसके अलावा
दुश्मन का नाम इसका जलाल था। अकबर तो इसको उपाधि दी गई कि अकबर का मतलब अपने आप में महान होता है, इसलिए कई जगह अकबर महान भी लिख दिया गया, जबकि अकबर का अर्थ ही महान शब्द के रूप में निकलता है। और ये एक उपाधि दी गई थी अकबर को, जनता के लिए इसने इतने भले काम किए थे, इसलिए जनता ने खुश होकर जो वहाँ के राजा और सामंत थे, हिंदू राजा सामंतों ने इसको अकबर की उपाधि दी थी, अकबर यानी महान व्यक्ति। तो इस तरीके से जलाल को अकबर की उपाधि दी गई थी। अच्छा, इसके अलावा इसका एक और नाम बदल, क्योंकि अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, तो इसलिए पूर्णिमा को बद्रु भी कहा जाता है। बद्रु, बद्रु यानी पूरा बंद गोल, यानी कि चंद्रमा पूरा गोल होता है, इसलिए इसका नाम बद्रु दिन भी रखा गया था वास्तविक नाम, परंतु बाद में इसको जलाल कहने लग गए। तो ये भी इनके साथ नाम के साथ में जुड़ी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। चलो आगे बात कर रहे हैं, तो दीन इलाही धर्म का प्रवर्तन किया था अकबर ने, और ये बहुत इतिहास की खास बात रही कि एक ऐसा राजा जो सभी धर्मों को समान रूप से जो है महत्व देते हैं, और एक सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर एक नया धर्म बनाया, ये अकबर की बहुत खास बात थी। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, इसको अपनाने वाला पहला हिंदू राजा बीरबल था, ठीक है, राजा बीरबल जो एकमात्र पहला भी था और एकमात्र ही था। इसके बाद में इसका जो प्रधान पुरोहित था, यानी इसके बारे में जो सलाह देने वाले थे, इसको बताने वाले जो थे, उनका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल बच्चों जो है इन्होंने अकबर से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे, जैसे आईने अकबर, आईने अकबर भी अबुल फजल का एक बहुत प्रमुख ग्रंथ है। आईने अकबर,
राजस्थान के अंदर तो वैसे भी विशेष रूप से राजपूत राजाओं का शासन यहाँ पर था। आन बान शान के लिए माने जाते थे और राणा सांगा के जो है तेजस्व और शक्ति को सुनकर बाबा स्वयं से लड़ने के लिए यहाँ आ गए थे। और वैसे भी अपना ये राजस्थान तो राजपूत में ही कहलाता था क्योंकि पूरे राजस्थान में राजपूत राजाओं का शासन था। केवल एक टोंक में पिंडा ही रहते थे यानी मुस्लिम, बाकी सब जगह पर हिंदू राजपूत उससे ये जो राजपूत राजाओं का शासन था। तो अकबर ने राजपूतों को अपने अधीन करने के लिए एक नया तरीका अपनाया, युक्ति अपनी कि जिसमें युद्ध भी नहीं करना पड़े और वो उनके अधीन भी हो जाए। तो इसके लिए सबसे खास एक तरीका होता था कि उनकी बेटी के साथ में विवाह कर लूँ। भाई बेटी के साथ विवाह कर लिया तो संतियों के साथ कौन लड़ेगा, बेटी के पति यानी दामाद के दामाद से कौन लड़ना पसंद करेगा, उनका तो उन्हें अपने परिवार में सम्मान नहीं करेंगे। तो अकबर ने जो है सबसे पहले इस तरीके की नीति अपनाई थी और प्रेम पूर्वक वो उनसे विवाह करते थे। और इसके अलावा उनके जो राजपूत जो राजा थे उनको अपने दरबार में कुछ पद भी दे देते थे, तो इज्जत भी दे देते थे और रिश्ता भी बना लेते थे। तो इससे वो धीरे धीरे बिना युद्ध किए वो उनके अधीन हो जाते थे। और ऐसा शासन में अगर मैं आपको बात करूँ अकबर के साथ संधि करने वाला जो पहला राजा था तो वो कछुआ राजा भारत था। कछुए भारत का है जयपुर का राजा था और पहला ऐसा राजपूत राजा था बारमल जिसने अपनी बेटी जो है मार कर उसका विवाह अकबर के साथ में किया था। ठीक है, पहला राजपूत राजा था जिसने अपनी बेटी को जो है अकबर मुस्लिम जो थे मुगल थे उनके साथ में ब्याह। तो ये इतिहास की पहली घटना ये मानी जाती है जिसमें रजत सिंह जो है ये राजा इसके साथ में विवाह करने के लिए तैयार हो गए। और कहा जाता है कि अकबर जो है राजा भवानी सिंह चिश्ती की गद्दी पर पैदल आए थे आगरा से और वापस जाते हुए जयपुर से होकर निकले थे। उस वक्त बारमल से यहाँ गए और फिर बारमल के साथ जब अकबर का इतना दबदबा इतनी विशाल सेना थी बारमल ने भी सोचा कि क्यों ना इससे मित्रता कर ली जाए वरना अपने ऊपर आक्रमण होकर मर जाएंगे राज्य छीन लेंगे, इससे तो मित्रता बना ली जाए क्या फर्क पड़ता है। ये सोचकर उसने अपनी मां भाई जो उनकी अपनी पुत्री थी ये बारमल थी उसका विवाह उसके अकबर के साथ में कर दिया गया। ये पहला है विवाह माना जाता राजपूतों का मुगलों के साथ में। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं बारमल के जो पुत्र थे वो भगवान भगवंत दास थे, ये इनके पुत्र थे और भगवंत दास के जो पुत्र थे वो मान सिंह थे। तो इस तरीके से बारमल ने सबसे पहले अपनी पुत्री का विवाह किया। उसके बाद में मैं आगे बताऊं भगवंत दास ने भी अपनी पुत्री का विवाह जो है जांगीर के साथ जो अकबर के पुत्र थे उनके साथ में किया, यानी भगवंत दास के पुत्र और मान सिंह के भाई। और अभी सबसे पहले जो रिश्ता हुआ वो भगवान दास की बुआ यानी भगवान दास की बहन यानी मान सिंह की बुआ का विवाह अकबर के साथ हुआ माना जाता है। सबसे पहला ये राजपूत वो मुगल संबंध था। और इसमें अकबर ने इसीलिए जब इसने बारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किया तो फिर जो है उसके पुत्र को भगवान दास को अपने दरबार में कुछ स्थान पर उसका बिठाया। और उसके बाद में उसका जो पुत्र था मान सिंह को तो बच्चों ये इतना चापलूस था अकबर का इतना प्रिय हो गया था कि अकबर इसको एक फर्जन कहकर बुलाता था। फर्जन का मतलब होता है अपना गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र यानी गोद लेते ना किसी बच्चे को इस तरीके से अपने पुत्र के समान मानता था। इतना मान सिंह ने अकबर का दिल जीत रखा था और अपने नौ रत्नों में भी इसको शामिल कर रखा था। नौ रत्नों की बात में आगे बताऊंगी बच्चों को। तो इस तरीके से अपने दरबार में उच्च पदों पर इनको नियुक्त किया था और जब उच्च पद दे दिए जाते थे तो राजपूत बड़े खुश होते थे और उनकी हार जुड़ी करते रहते थे। उसके बाद में जो है अकबर ने डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को भी अपने अधीन कर लिया था, यानी यहाँ के राजाओं ने अपनी बेटी के विवाह तो नहीं किए पर राजपूत राजाओं को अपने अधीन अकबर ने कर लिया था। अच्छा बच्चों जब मैंने आपको बताया कि अकबर इतने अच्छे दरिया के इंसान थे तो इनकी एक खास चीज वापस
बाद में किया था उसको इसने समाप्त कर दिया था। कब? 1564 के अंदर। उसके बाद में 1569 से लेकर 1584 ईस्वी तक इसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। मैंने अभी भी आपको बताया था कि 15 साल तक जो है 15 साल उसने फतेहपुर सीकरी नामक दिल्ली के पास में एक पहाड़ी इलाका है उस पर इसने फतेहपुर सीकरी का जो है निर्माण करवाया, उसका नक्शा स्वयं बनवाया, अपने देख रेख के अंदर बाग बगीचे किला वगैरह सब बनवाया, परंतु पानी की कमी के कारण इसको वापस फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बाद में बदलना पड़ा और वो वीरान हो गया और इतना सुंदर से उजड़ गया। अच्छा, इसके अलावा गुजरात विजय के उपलक्ष में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। बच्चों, बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी के अंदर आया हुआ है। तो बुलंद दरवाजा बहुत ही बड़ा सा गेट बनवाया था अकबर ने जब गुजरात को जीता, क्योंकि गुजरात के राजा के साथ में बड़ा कठोर संघर्ष हुआ था, बड़ी मुश्किल से जीते थे। तो जीत की खुशी के कारण इन्होंने एक बहुत बड़े दरवाजे का निर्माण करवाया जिसका नाम इन्होंने बुलंद दरवाजा रखा। ठीक है, उसके बाद में इनके दरबार में 9 रत्न यानी बुद्धि जी थे। अब ये 9 रत्न क्या थे बच्चों? अकबर जो है बुद्धिजीवियों का बड़ा सम्मान करते थे, ज्ञानी लोगों का बड़ा सम्मान करते थे, इसलिए इसने एक संगठन बना रखा था जिसको 9 रत्न के नाम से, यानी 9 ऐसे लोगों का एक ग्रुप था जिसमें वो उनको बड़े सम्मान के साथ में रखते थे। उसमें से अगर मैं नाम बताऊं, एक का नाम तो मैंने बताया भी था, अब जो है ये मान सिंह थे ये थे। इसके अलावा अबुल फजल जिन्होंने आगे अकबरी की, एक फैजी थे ये अपने नागौर के थे, एक तानसेन थे जो बहुत अच्छा गायन करते थे, एक बीरबल थे, एक टोडरमल थे, ये भी राजा थे, टोडरमल भी राजा थे, बीरबल भी राजा थे। इसके अलावा मान सिंह तो मैंने आपको बताया ही है। तो इस तरीके से ये जो है 9 जो है थे, एक फकीर नाम के भी व्यक्ति थे वो भी इनके 9 रत्नों में शामिल थे। तो इस तरीके से ये 9 व्यक्ति जो है बुद्धिजीवी जो है जिसको 9 रत्न कहते थे यानी 9 नगीने अकबर के दरबार के, कोई भी बात में उलझ जाते तो इनसे सलाह मशवरा ये करते रहते थे, ज्ञान की बातें करते रहते थे। तो इस तरीके से अकबर के बारे में आपने अध्ययन किया कि ये कितने बुद्धिजीवी थे। बच्चों, वैसे तो अकबर के बारे में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, परंतु आपके कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार इतनी जानकारी आपके लिए आवश्यक है, इसलिए इतना ही बताया गया है। अगर आप 8 सब्जेक्ट लेके 12th 11th 12th में भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको अकबर के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। फिलहाल अपन ने अकबर के बारे में जो खास खास बातें थी उनका अध्ययन किया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकबर एक गंभीर बीमारी के बाद 1605 के अंदर जो है अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में अकबर का जो पुत्र है जहांगीर वो राजा बनता है, और जहांगीर जो है इसका वास्तविक नाम सलीम होता है। जहांगीर का नाम क्या है? सलीम। सलीम के तो जहांगीर के तो एक ही बात है, जहांगीर की तो इसके ऊपर भी जाहिर थी कि बच्चों, पर इसका वास्तविक नाम सलीम था। तो सलीम के बारे में अपन बात करते हैं। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया था। शेख सलीम चिश्ती कौन? मैंने आपको बता रहा था खाजा कमालुद्दीन चिश्ती के जो गुरु थे सलीम चिश्ती, आपको मैंने बताया था अकबर जो था चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था, और शेख सलीम जो थे चिश्ती ये फतेहपुर सीकरी के अंदर ही रहते थे और इनकी बड़ी आवभगत करते थे ये, और अकबर का कई समय तक पुत्र नहीं हुआ। तो फिर अकबर जो है अपनी पत्नी को जो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में ही माँ के एक रूप में उसको ठहरा दिया था। उन्होंने कहा उसको यहीं पर ला के बैठाओ और फिर आपके जरूर जरूर एक स्वस्थ पुत्र का जन्म होगा, और कहा जाता है कि कई सारे महीनों वहीं पर रही शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के अंदर, और बाद में जो उनसे पुत्र हुआ उनकी पत्नी के उसका नाम जो है सलीम भी रख दिया गया कि उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ, इसलिए इसका नाम सलीम है। अच्छा, सलीम को 12,000 मंसब प्राप्त थे। अब ये मंसब क्या होता है बच्चों, ये चीज समझना। मंसब का मतलब होता है कि जो एक राजकुमार है या जो कोई अन्य राजा
लिए जाते थे, भाई ये कहीं भी जाएगा तो इतने सिंह किसके साथ जाएंगे, उसमें घुड़सवार होते थे, पैदल से नहीं होते थे, तो ये उसके लिए बड़े रुतबे की बात होती थी। जब राजा कहीं जाएगा तो वो इतने सैनिकों के साथ जाएगा और उनके साथ में वो सलामी देंगे वहां के जो नौकर चाकर और छोटे राजा है। इस तरीके से क्योंकि एक राजकुमार था इसलिए इसको आराम जाट मनसब प्राप्त है, यानी इसके हमेशा 12 जाट सैनिक जो है इसके साथ में चलते थे, ये कहीं भी जाता था तो ये इसके लिए सम्मान की बात होती थी। और वैसे भी बच्चों सबसे ज्यादा 5000 के ऊपर का मनसब हमेशा राजा है जो अपने पुत्रों को देते थे ताकि उनका उनका सम्मान अन्य राजाओं से ऊंचा रहे। तो इस तरीके से सलीम को 12000 का मनसब प्राप्त था। इसके बाद में अगर हम देखें तो 1599 ईस्वी में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। देखो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जहांगीर और अकबर के बीच में हमेशा मतभेद था। अकबर जो था बहुत अच्छी शांति प्रिय और सलीम प्रवृत्ति का व्यक्ति था और शक्तिशाली तो था और बहराम खान ने अगर जो उसका संरक्षण रहा उसको राजा बनाया हमेशा से साथ रहा, पर उसने जब अकबर को अपने अधीन करने की कोशिश की, अपनी नीतियों में झगड़ने की कोशिश की, तब बहराम खान को उसने निकाल मार किया तो निकल दिया अपने दरबार में से। तो अकबर बड़ा बुद्धिमान और अपनी बात का पक्का था और जहांगीर जो था ये ऐसा आराम पसंद भ्रष्ट हो गया था तो अकबर ने इसके ऊपर बहुत कठोर नियम लगा दिए थे। यहाँ तक महज दूर ऐसा दूर भी भेज दिया था इसको एक सैनिक बनाने के लिए, सैनिकों के हाथों में सौंप दिया था कि इसको तैयार करो, इसको एक राजकुमार बनाओ, ऐसे ऐसा आराम में रहेगा तो राज कैसे करेगा। तो इस तरीके से जब अकबर कठोर हो गए थे तो एक बार जो है सलीम अकबर के विरुद्ध हो गए थे, विद्रोह कर दिया था कि मैं आपकी बात नहीं मानता और उनके विरुद्ध हो गए थे। और उस समय उनका दमन करने के लिए, दमन का मतलब होता है वापस जहांगीर को दबाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसने अबुल फजल को भेजा था। अबुल फजल बच्चों ये ही जिसने आईपैड पर लिखी थी और जो है इतने इतने धर्म के जो है के बने थे प्रमुख पुरोहित, इनको भेजा था कि जाओ इसको समझा बुझा कर शांत कर दिया हो, पर जहांगीर ने उल्टा 1602 के अंदर अबुल फजल की ही हत्या करवा दी, वध करवा दिया क्योंकि ये कौन होगा मुझे समझाने वाले का। आपको इस लाइन से समझ में आया होगा जहांगीर का स्वभाव और अकबर का स्वभाव बिल्कुल अलग था, वो उनको अलग तरीके से सोचता था और अकबर जो है उसके अच्छे के लिए कार्य कर रहा था और जहांगीर अपने पिता के विरुद्ध हो गए। और उसके बाद में जो है 1605 में आगरा के किले में सलीम ने नसरुद्दीन, 1605 का जब उनकी मृत्यु हो गई थी अकबर की पिता की मृत्यु होने के बाद में आगरा के किले में सलीम ने नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि धारण करके मुगल सत्ता को संभाला। जैसे कि मैंने आपको बताया था इनका वास्तविक नाम सलीम था परंतु पिता की मृत्यु के बाद में ये जब राजा बने तब इन्होंने नसरुद्दीन जो है मोहम्मद जहांगीर यानी पूरे जहां का मालिक इस तरीके की उपाधि धारण करके वो मुगल सत्ता को संभालते हैं। राजा हो गए कब 1605 अपने पिता की मृत्यु के बाद। और उसके बाद में जहांगीर ने सिखों के गुरु जो थे, सॉरी बच्चों यहाँ पर सिखों लिखना है, सिखों के जो गुरु थे अर्जुन थे इन्होंने मृत्यु दंड दिया। देखो बच्चों पिता से बिल्कुल विपरीत प्रवृत्ति है इनकी। आपने देखा कि यहाँ पर अकबर जो है किसी धर्म के लोगों के लिए भेजा कर पढ़ा रहे, जैन मुनियों को उपाधियां दे रहे जगत गुरु तक की, इसके अलावा जजिया कर समाप्त कर रहे हैं, सभी धर्मों का ये सम्मान कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है जहांगीर ने सिखों के गुरु अर्जुन देव की हत्या तक करवा दी केवल इसलिए क्योंकि अर्जुन देव को अपने दरबार में इन्होंने उपस्थित होने के लिए भिजवाया था। इनका एक संरक्षक था, नौकर था, वो अर्जुन देव के संरक्षण में चला गया था, पर इन्होंने कहा आओ मेरे दरबार में उपस्थित हो, अर्जुन देव नहीं आए तो उनकी हत्या करवा दी। इतनी क्रूर प्रवृत्ति के और गुस्से स्वभाव का था जहांगीर और यह एक बहुत अच्छा चित्रकार भी था।
जहांगीर इतना ही सुंदर चित्रकला करता था और इसके दरबार में कई सारे अच्छे अच्छे चित्रकार भी था। और कहा जाता है कि जहांगीर चित्रकला का इतना पारखी था कि चित्र को देखकर बता देता था कि इसमें कितने चित्रकारों ने मिलकर चित्र को पूरा किया है या कौन कौन से चित्रकारों ने इसको बनाया है। तो इतना ही पारखी था, उसके दरबार में जो चित्रकार थे चित्र को देख के बता देता था कि फलाफल बनाया है या किस चित्रकार ने मिलके इसको पूरा किया है, इतनी इसको जानकारी थी चित्रकला की। तो ये चित्रकला में अद्भुत कला है क्या है और इतना खुद भी बहुत अच्छा चित्रकार था। इसके अलावा 1611 के अंदर जहांगीर ने मेहरुन्निसा नामक एक विधवा महिला से विवाह किया था। मेहरुन्निसा जो थी इसके और बाद में उसे वो नूर नाम की उपाधि दी थी। ये मेहरुन्निसा को देखो बच्चों, मेहरुन्निसा जो थी ये जहांगीर के एक सेनापति की पत्नी थी और जहांगीर जो है इतनी खूबसूरत थी कि इसका मन किया मैं इसके साथ विवाह करूंगा। और उसने धोखे से उसके पति की हत्या कर दी और उसके बाद में उसकी जो पत्नी थी मेहरुन्निसा उसको संरक्षण देने के लिए अपने महल में बुलवाया और बाद में सहानुभूति पूर्वक उससे विवाह किया और उसको नूरजहां की उपाधि दी थी। पर उसके पीछे उसका मकसद कितना गलत था, इस ये लाइन बताने के पीछे मेरा ये मकसद था कि ये जो इसकी गलत प्रवृत्तियां थी, जैसे अकबर की प्रवृत्तियां इतनी अच्छी और व्यवहारिक शक्ति बना जाता तो स्वेच्छा से मौके पर देते नहीं, पर यहाँ पर ये कठोरता पूर्वक गलत तरीके से ये कार्य करता आया था। और उसके बाद में अगला वर्ग देखा उसके पति की हत्या करवा कर उसकी पत्नी से ये विवाह कर लेता है मेहरुन्निसा से, जिसे नूरजहां की उपाधि भी देता है। इसके बाद में इसके समय में बच्चों यहाँ पर आपको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, एग्जाम में प्रश्न से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रिटिश ग्रुप जो है कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस को इसके दरबार में आए थे। बच्चों ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या आता है कि जहांगीर के समय ब्रिटिश दूत कौन कौन से ब्रिटिश दूत भारत आए थे या उसके दरबार में आए थे। तो जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस और थॉमस वो इसके दरबार में आए थे। बच्चों इससे आपको ये पता चलने लग गया होगा कि अब ब्रिटिश भारत की तरफ प्रवेश कर चुके हैं और धीरे धीरे वो भारत में आने की तैयारी कर रहे हैं। और सही पूछे तो यहीं पर ब्रिटिश जो अंग्रेज जिसको अपन कह रहे भारत को अपन का गुलाम बनाया था यही से उनका प्रवेश हो गया था प्रारंभ। और वो आने जाने लगे थे, राजाओं के बीच की बातें जानने लगे थे, उनके आपस में माता पिता के प्रति मतभेदों का उनको पता चलने लग गया था। और पहले तो ये व्यापार के लिए अनुमति मांगने आए थे, देखने आए थे कि कैसी परिस्थितियां हैं और भारत में राज करना चाहते थे ये। धीरे धीरे व्यापार से आगे आगे बढ़े कदम कदम, जैसे जैसे अपन मुगल राजा की तरफ आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके बारे में मैं आपको जानकारी देंगी। तो यहाँ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से ब्रिटिश दूत ब्रिटेन से जो है ये जहांगीर के दरबार में आए थे। तो हॉकिंस और सर थॉमस लो ये याद कर लेना बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में जो है 1627 के अंदर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और इसके मृत्यु के बाद में जहांगीर का जो पुत्र है इतिहास के अंदर शाहजहां के नाम से जाना गया उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, जिन्होंने एक सबसे सुंदर इमारत ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो उनकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें अपन ने देखा अकबर की अच्छी नीतियां, इस पुर्तगालियों की मिशनरियों के लिए इसने इबादत खाने का निर्माण करवाया, दीन इलाही धर्म को बताया और एक भारत में हिंदू निर्भर राजा को हिंदू मानने वाले थे, चिश्तियों को संरक्षण दिया, ईसाइयों को संरक्षण दिया, जैनों को दिया, सिखों को दिया, यानी सभी
इससे ये पता चला कि बुद्धिजीवियों का सम्मान करते थे। उसके बाद में मैंने जो पहचान ली है कि सलीम की बात की और सलीम जो है शेख सलीम चिश्ती की, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम सलीम रख दिया गया। और सलीम ने अपने पिता के विरोधी जो है विद्रोह किए थे, और उसके बाद में इसने इनका सबसे अकबर का विश्वास पात्र नौ रत्न में भी शामिल किया। कुल फतल दी गई है कि जो प्रधान मुगल थे इनकी हत्या करवा दी, और जो है इसने जहांगीर की उपाधि धारण की, सिखों के गुरु अर्जुन देव की इसने हत्या कर दी, मृत्यु कर दिया, और मेरे निशा नामक विधवा महिला से विवाह करके भूल जा के पा दी थी। और सबसे खास बात कैप्टन ओकेस और थॉमस लो इसके दरबार में आए थे जो ब्रिटिश थे, और 1627 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से अपन ने मुगल राजा अकबर और जहांगीर के बारे में पूरी तरीके से अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो है जहांगीर के पुत्र शाहजहां के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों वीडियो को ध्यान से सुनना, नोट डाउन करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।